तुम कर दे अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ अमल लेकर आई हूँ ये खूब का अमल है, यानी मोहब्बत का अमल है, बहुत ही नायाब है। बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद ये अमल आपको बताए जा रहे हैं, बहुत सी कमेंट बॉक्स में भी और ईमेल भी हमें रिसीव हुई कि हमें आप ही ऐसे बताएं कि अगर हम अपने जो है कोई हमसे नाराज हो उनको मनाने के थोड़े से हमें जो है अमल और वज़ाइफ बताएं। तो आज जो मैं आपके साथ एक अमल बताऊंगी बहुत ही नायाब है, अल मुकीतु, ठीक है, अल मुकीतु का ये अमल है। आपने क्या करना है कि आपने सुबह के टाइम तकरीबन 10 बजे, सुबह के टाइम तकरीबन 10 बजे जुमे वाले दिन आप ये नक्श तैयार करोगे। नक्श तैयार करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि नक्श के अंदर आपने जो है चार खाने मतलब कि आप इस तरह एक डब्बा तैयार करें जिसके अंदर 16 खाने हो, इस तरह एक डब्बा तैयार करें कि जिसके अंदर 16 खाने हो और उसके ऊपर आप बिस्मिल्लाह लिखें और अल मुकीतु लिखें, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि आप सूरह कुरैश लें, सूरह कुरैश आप एक कागज के ऊपर लिखें और उसके ऊपर अल मुकीतु की तस्बीह एक पढ़कर उसके ऊपर दम करें, ठीक है। दम करके आपने जो है उसको एक किसी सबस कपड़े में, उसको किसी सबस कपड़े में आपने अपने सीधे बाजू पर बांध लेना है। सबस कपड़े को अपने सीधे बाजू पर बांध देना है, जिसको आप तलब करना चाहते हो उसका अपने जहन में रखो, ठीक है। और हरे कपड़े में इसको लास्टमन आपने बांधना है और कोई कलर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी इस चीज का असर हो तो फिर आपने क्या करना है, इससे ही नक्श को यानी सूरह अल कुरैश के नक्श को आपने सूरह कुरैश लिख कर आपने सब्ज कपड़े के अंदर उसको बांधना है और किसी दरख्त पे लटका देना है। एक बात याद रखिएगा, दरख्त या तो फलदार हो वरना फिर हरा भरा हो, यानी मतलब कि सब्जा हो, सूखा हुआ या कोई इस किस्म का दरख्त ना हो। तो जैसे ही वो दरख्त के ऊपर शाख के ऊपर वो हिलेगा तो इंशाल्लाह इतनी ही जल्दी मतलूब जो है आपके पास हाजिर होगा और आप खुद हैरान रह जाओगे। ये अमल बस आपने एक दफा ही करना है, अपने बाजू पे बांध लें या फिर जल्दी बुलाना है तो दरख्त पे बांध लें तो फौरन ही वो हाजिर हो जाएगा और उसको इतनी बेचैनी होगी बस वो चाहेगा किसी तरह आपसे मिल ले। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी मिल सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू, जिन्नात, असेब, किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी अपने को मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फर्ज निभाएं।